Situated in the epicenter of greenery, IIT BHU is devoting excellence in teaching, learning, and research. Founder Madan Mohan Malviyaji instituted a course in ceramic technology as early as 1924, with the noble objective of advancing glass and ceramic technology in India. पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और उनके साथियों के दूरदृष्टि का जीता जागता उदाहरण है, जिस समय भारत में 1924-25-30 उन दशकों में जब बहुत सी इंडस्ट्री नहीं थी, उस समय उन्होंने एक इस विश्वविद्यालय में ऐसा डिपार्टमेंट बनवाया जिसमें कि देश से विदेश से वो मशीनें मंगाई गईं जो कि इंडस्ट्री में हुई थी। उसका मुख्य उद्देश्य कि यहाँ के जो इंजीनियर पढ़े हुए निकले, उनको पढ़ाई के साथ साथ उन मशीनों का, उन भट्टियों का, सबका चलाने का अनुभव भी हो। उसी अनुभव की उसी दिशा में ये प्रयास किया गया। In the year 1956, Department of Glass Technology and Department of Ceramic Technology were merged to form the Department of Silicate Technology. In the year 1968, the Department of Silicate Technology subsequently came to be called as the Department of Ceramic Engineering. पहली बात तो यह है, डिपार्टमेंट यूनिक डिपार्टमेंट है इंडिया में, जो है बीटेक एमटेक पीएचडी की एक यूनिक डिपार्टमेंट है जहाँ क्रैम इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, और किसी भी आईटी में नहीं है इंडिया में, जितना जो सब डिग्री मिली होते हैं। प्रेजेंटली दिस डिपार्टमेंट स्टैंड्स यूनिक इन इट्स नेचर दैट ऑफर्स बीटेक एमटेक एंड पीएचडी and IDD programs in the areas of ceramic engineering and technology. क्योंकि आप भी जो भी जिधर भी जाएगा, दो मेटल और पॉलीमर छोड़ के जो भी है वो सब सिरामिक के हैं, और हर फील्ड में सिरामिक के यूज आता है। जो मैकेनिकल जाइए, फिजिक्स, सब लोग सिरामिक में आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि सिरामिक का यूज आप सुबह से टूथपेस्ट से स्टार्ट करके एरोस्पेस तक सब में सिरामिक यूज होता है। इंडिया में बहुत से मैग्नेट यूज़ होते हैं जिसके अंदर नियोडाइम में मैग्नेट मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा बाय करता है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली बहुत नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इसी वजह से हम ऐसे मैग्नेट को बनाना चाहते हैं जो उस मैग्नेट को रिप्लेस कर सके, तो रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट पर काम कर रहे हैं, जिसमें रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, और उनकी प्रॉपर्टी नियोडाइमियम मैग्नेट की प्रॉपर्टी के कंपैरिजन प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। The department is pursuing active research in various emerging areas with specialization in glass, glass ceramics, electronic ceramic. Research papers are regularly published in reputed national and international journals. The department is aided with numerous labs such as mineralogy and microscopy laboratory, glass laboratory, material characterization or the PG lab, and electronic ceramic laboratory. We are standing in the one lab which is being developed as a center. IIT BHU IRMA Refractive Excellence Center. This is a unique initiative in our institute that a center, excellence center is developed, is being developed in the area of refractive
with the participation of the Department of Ceramic Engineering and the Indian Refractory Makers Association. In short, it is known as IRMA, which is an organization of refractive manufacturers within India. The faculty का पूरा as a friendly support है कि मुझे कहीं लगता ही नहीं कि मैं किसी faculty के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ कोई friend है मेरा जो मेरे साथ मेरी help कर रहा है। ITBHU का ऐसा सहज माहौल है ना कहीं किसी IT में नहीं मिलता है। यहाँ बच्चों में टीचरों में इतना जो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना किसी IT में नहीं होता है। और जगह टीचर मैकेनिकल टाइप के हो जाते हैं मगर यहाँ ये बहुत बड़े हारमोनी आपस में बहुत ज़्यादा होती है। IITBHU not only teaches a student to grow up with strong academic, but also encourages them to rise successfully in every aspect of life.